الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين बनी इसराइल कौम जब अल्लाह ताला इनके ऊपर बेहद हिसाब इनामात किए थे उस वक्त की सारी दुनिया के इंसानों में इनको सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। इंसानी फितरत और तकाज़ों से हटकर कुदरत के खुसूसी असबाब जिसको मौजज़ा कहते हैं बग़ैर मेहनत और मशक्क़त किए के कोई 40 साल तक खाने पीने के इंतज़ाम किए। सहारा में रखकर जहाँ एक बूंद पानी नहीं, पानी का ख़तरा नहीं, पानी का इंतज़ाम फरमाया। छोटे से पत्थर पर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जब पानी की ज़रूरत पड़े अल्लाह का नाम लेकर तुम उस पर डंडा मारना। तुम्हारी कौम 12 कबीलों में बटी हुई है, हर कबीला हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल है। छोटे से पत्थर से 12 नहरें निकल पड़ती थीं, मीठे, शीरें, साफ, शफाफ, फिल्टर किए हुए, कमाल दर्जे, इसमें कोई बीमारी नहीं, कोई मरज़ नहीं, कोई ख़राबी नहीं। जब नहर में पानी तुमको बस हो जाए रोकना तो अल्लाह का नाम लेकर डंडा मारना, रुक जाता था। घर बनाने की ज़रूरत नहीं, सख्त गर्मा के मौसम में गर्मी से बचने के लिए अबर का साए का इंतज़ाम फरमाए वगैरह वगैरह बीसियों चीज़ें। अलगरस मिस्र में जो रहते थे ये बनी इसराइल दूसरी कौमों के साथ वो बुत परस्त कौम थी। बुत एक शक्ल के में, शेर की शक्ल में, गाय की शक्ल में, एक से ज़्यादा मुंडी वाले इंसानों की शक्ल में, एक से ज़ायद हाथों वाली शक्ल में, बंदर की दुम की शक्ल में, बंदर की मुंडी की शक्ल में। ये माहौल कम अज़ कम जैसा आजकल हमारे इसमें भी माहौल में है, ये नज़र पड़ती भी है, दिखता भी है। इनके शोर व पुकारे इबादत का हिस्सा है उनके पास। वो इबादत के नाम से, सवाब के नाम से वो करते हैं। जो हमारे लिए सिर्फ पुकारा दिखता है उसका नाम इबादत का नाम दे रखा है। इन जैसे चीज़ों से वाकिफ़ तो थे। इस जैसे माशरे में रहने वाले कहलाने वाले मुसलमानों में भी बहुत सारी खराबियाँ देख कर उस जैसे शक्लें बदल कर इख्तियार कर लेते हैं जो उस जैसे रहते हैं करीब करीब, जिसमें चीखना, चिल्लाना, पुकारना, नाचना, बाजे बजाना, मुख्तलिफ किस्म की शक्ल। नाम दे लो आप उसको दूसरी चीज़ों का, हक़ाइक़ से हटकर। ये सब खराबियाँ। अलगरस अल्लाह ताला इस कौम में फजल करते हुए बहरे कुलज़ुम से, कुलज़ुम के माने खुद नहीं, तबाह कुन समंदर, हर समंदर में तबाही बर्बादी के आसार हैं। समंदर उसी को कहते हैं जिसमें 2 किस्म की चीज़ें मुतज़ाद, कमाल दर्जे के इंसान को ज़्यादा काम आने वाली, ज़्यादा कीमत दिलाने वाली हीरे मोती अनमोल क़स्म की चीज़ें कुदरत की पैदावार समंदर के नीचे आता भी है। लेकिन जब इसी क़स्म के इंतहा दर्जे की भयानक वहशतनाक मौत भी उसके अंदर है, ये दोनों पहलू हैं। लेकिन बहरे खुजम के अंदर तबाही के आसार ज़्यादा, हलाकत खैस। ऐसे समंदर में से इस कौम को पानी हटाकर सिर्फ एक डंडे को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने पैगंबर से फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, मारो। डंडा ये मार रहे हैं, दरअसल अल्लाह की कुदरत है। फिर ये झगड़े नहीं होना, रास्ते में तंगी नहीं होना, बारह रास्ते बने। पानी की दीवार ऐसी मजबूत के जैसा ठहरी हुई, इस रास्ते से गए तो इस रास्ते से चलने वाले की शक्ल में साफ शफाफ आईने के जैसा गुफ्तगू करते हुए चले, आवाज़ भी सुनाई देती है। इनको बचाया और उसी के अंदर इनकी इस कैफियत को देखकर सारे के सारे फिरौनी पीछे में चल पड़े, उनको निकाला, इनको डुबाया, सब कुछ किया ना। आज की आयतों का जो सिलसिला ताल्लुक़ जो मिल रहा है, जो बात बताने चल रहे हैं, ये कैफियत ये तफसीलात तो कई एक आयतों पिछले कई रुकों से चल रही है। सिलसिला और आगे तक चलेगा, जिसमें ईमान के पहलू बताकर इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मतों में फजीलत दी है। अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से, आमाल के एतबार से सबसे कम आमाल दिए गए, अता और इनाम सबसे ज़्यादा किया गया। इस कौम को तो दिन भर में 50 नमाजें पढ़ती हैं, असल नमाज 2 रकात होती है, 2 रकात वाली 50 नमाजें पढ़ती हैं, जबकि हमको सिर्फ 5 नमाजें पढ़ना। उनको 50 नमाजों की अदायगी लाजमी थी इस्लाम पर कायम बाकी रहने का एतराफ़ और मुजाहरा करने के लिए। इस उम्मत को 5 नमाजें पढ़वा कर एक नमाज के बदले में 10 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। लेकिन इतने सारे इनामात के बाद वो कोताहियाँ क्या क्या किए, खराबियाँ कैसा करते चले। तो मौजूदा दौर के यहूदियों को बताकर इस्लाह करवाना, दीन की हकीकत बताना, दीन इस्लाम की तरकीब देना, मुसलमानों के लिए इस चीज़ों को बताकर अपने ईमान की क़द्र व कीमत को जानो और पहचानो। ज़िंदगी दिया जीने के लिए, जीने के लिए ज़रूरी तकाज़े खाने के, पीने के असबाब के सब अल्लाह ने अता किए हैं। इसको अल्लाह का फजल जानो, तो समझना अल्लाह की अता, उसके जानने के जो तरीक़े बता दिए। अलगरज़ उसके बाद अहकाम को लाने के लिए अल्लाह अपने हस्ब वादा पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम को मुक़द्दस किताब कुरान के देने का ऐलान फरमाया था। अब कुरान लाने के लिए, जिसको तौरात बोलते हैं, तौरात लाने के लिए निकले, जाते वक़्त पर कौम को साथ लेके चलते रहे। जाते वक़्त पर अपनी कौम से कह दिया, अल्लाह ताला मुझे बुलाए हैं, टूर पर जाना है। बुलाया तो पूरे कौम को लेकर आने के लिए बोल दिए थे, पूरे कौम को अब चलना, जिसमें छोटे बच्चे भी, औरतें भी, बीमार भी, लंगड़े भी, लूले भी, अंधे भी, ज़ईफ़ भी, सवारी, इंसान के 2 पाँव, सवारी इंसान के 2 पाँव, 80, 90, 100, 120 साल की ये बदली हुई दुनिया है जो आज की नई नस्ल को समझना ज़्यादा दुश्वार है। उन्नीस सौ 1908 में पहली मर्तबा दक्कन में साइकिल आई गिनती के, अब 2015 चल रहा, यानी 100 साल पहले सिर्फ नवाबी हजरात, बाद नवाबों के पास 2 टांगों से साइकिल, जो आजकल जो महजब तरीक़े से वैसी भी नहीं। सारी पब्लिक निकल कर तमाशा देखती थी, एक अजीब चीज़ थी जब नवाब चलाते थे, आम आदमी के भी हाथ को नहीं लगी। 1912 में पुराने तरस की 1-2 कारें आई जो नवाबों तक थी। 1912 में वह 103 साल पहले की बात है। उन्नीस सौ 48 तक भी बराए नाम सवालिया, 1950, 60, 70 के बाद भी ट्रांसपोर्ट बराए नाम। अब बदली हुई तरक्की याफ्ता हर चीज़ में निज़ाम, अब यह नई नस्ल इससे वाकिफ़ है। खाने पीने के भी 1975, 77 के बाद, 1980 के बाद की ये दुनिया है जो आजकल हमारी नई नस्ल देख रही है। एक जोड़ा कपड़े बनाना एक बड़ा मसला होता था, बहुत कम सरवत वाले अफराद, कसरत के साथ ये आम आदमियों का मामला। किसी के हाथ में चप्पल ख़रीद लिया तो बड़ी नेमत थी, अब चप्पल चले जाए, 100 कदम चलिए रोड पे, किसी की एक चप्पल वहाँ पड़ी हुई रहती, वहाँ पड़ी हुई रहती, पहन लेके चले जाइए। एक अल्लाह वाले का जिक्र है तो जो जंगल में रियाजत कर रहे थे, चलते चलते दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला बस एक ख्वाहिश है, मुझे एक चप्पल होना, इंतज़ाम फरमाइए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह से मांगना है। दुआएं करते रहे करते रहे करते रहे, अल्लाह ताला एक मरतबा एक नमूना बता दिया उनको। आप कहेंगे उनको एक मरतबा ऐसा नमूना नज़र आया, वो नज़र आता नहीं, बताते हैं अल्लाह ताला, बस इतना समझने का फ़र्क है। ये चीज़ समझ में आ गई तो दीन समझ में आ गया, अल्लाह कैसा है ये है। एक मतलब इसी तरह सैर सियाहत रियाजत मुजाहिदे में एक बंदा ऐसा दिखा दिए जिसके 2 टांगें कटी हुई हैं। आज भी शहर में कई नमूने मिलते हैं ऐसे, अपने बदन के निचले हिस्से को घसते हुए निकल के आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत पूरी करना पड़ता है। उनको बता दिया, इनके दिल में डाल भी दिया, तुम्हारी दुआ का जवाब यह है, देखो क्या अभी भी है तुम्हारा मुतालबा। बिला इख्तियार हाथ उठाकर अल्लाह से फरमाए, ऐ रब आज से मैं दरख्वास्त नहीं करता, शुक्र है तेरा, इसको तो दोनों पैरों से महरूम कर दिया, मुझे कम से कम 2 पाँव तो दिए, मैं खामखा बेचैन हूँ, चप्पल होना चप्पल होना। आज तो हर बच्चा मुझे मोबाइल होना मोबाइल होना मोबाइल होना, यानी मुँह नहीं बोलने वाला बैल होना बैल होना बैल होना, उसके बगैर नहीं चलना। आज की दुनिया, और जितना करो बस नहीं होता, अब ये नहीं वो, अब वो होना, ये 2-4 महीने हो गए, इस समय बोर हो गया, वो होना वो होना। कर लो मुतालिबे, मुतालिबा करना हराम है, ये कहाँ से कह रहा हूँ मैं। अल्लाह मियाँ दुनिया में बहुत उंडेल दिए हैं, जुड़ना और इस्तेफादा करने का तरीक़ा है। अलगरस पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम किताब लाने के लिए निकले, कौम से कह दिया कि 30 दिन, उसकी तफसील पीछे गुजर गई, 10 दिन का इजाफा हुआ। ये 10 दिन के इजाफे में कमाल हो गया, उसका जिक्र है यहाँ पर। एक शख्स था जिसको कुरान ने उसका नाम भी बता दिया, सूरह ताहा में सामूरी, एक शहर का नाम है सामुर्रा, सामुर्रा, असल नाम है सुर्रा मन रहा। उस ज़माने के लिहाज से बहुत बहुत ही नंबर एक दर्जे की सिटी। उसका लफ्ज़ी माना है जिसने भी देखा बहुत खुश हो गया। वो सुर्रा मनरा तलफ़ुज़ में होते होते सामुर्रा सामुर्रा आज भी वजूद है, शायद नाम बदला हुआ हो। बगदाद मुल्क में सामुर्रा, उसी से सामूरी, उस कौम का पेशे से सुनार था, माहिर कारीगर था, अक्ल का बड़ा होशियार था, अपनी होशियारी कौम के अंदर मना के रखा था, वगैरह वगैरह उसकी तफसीलात हैं। तो इस दौरान पर वत्तखज़ कौम मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तौरात लाने को जो गए थे, उसके जाने के बाद अपने ही कौम के ज़ेवरात, हुलियुन ज़ेवरात, सोने के चांदी के सब, ये जमा कर कर एक गाय के बछड़ा बना लिया। करने वाला ये सामूरी शख्स था। उसके नामों के साथ इसकी तफसील फिर पारे 16 में आएगी, ये तफसील वहाँ पर आएगी। यहाँ सिर्फ इशारा है कि इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया सारी कौम ने, यानी सारी कौम उसको कबूल की, उसके साथ इशारा कर दिया। चाल चला था वो एक, उस वाक़े की तफसील सूरह ताहा में आएगी। वहाँ पर वो जेवर जो थे अड़ोस पड़ोस से, जैसे मुस्तार लेते हैं आज भी, जैसे शादी ब्याह को जाना है तो बास लोग जेवर होते हुए भी बास मतवा ये पुराना डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन पहन के जाना चाहिए। औरतों की नफसियत एक अलग रहती है। मर्दाना शादियों में दावत पे जाता है तो सिर्फ उनको जाना, शरीक होना, दुआ देना, हाथ मिलाना, खाना पीना आना। औरतों के मिजाज में ये नहीं, जानना चाहे तो जानो। एक ने 10-10 शादियों में भी कौन औरत किस शादी में क्या पहने थे, किस रंग का पहने थे, पूरा जैसा एक हाफिज़ को कुरान याद रहता है इस तरह उनके हाफिज़ में रहता है। आप चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए, करीब करीब 100% ये उनका मिजाज है। औरतों का जहाँ ज़्यादा उनकी चलती है तो मजबूर करेंगे, महीने साल 2 साल के बाद ये डिज़ाइन पुराना हो गया, इसको निकालेंगे, चेंज करके लेंगे, ये मिजाज है। खैर उसको जिक्र नहीं करना, उनके एक मिजाज के साथ। और जो कुछ करते हैं घर के मर्दों के लिए करते ना, वो अब बोझ उन पर पड़ता है, बोझ उठाने के उन्वान से तो लाया ना, जिसमें ताकत है उसी को शादी करने की याद है ना। अब ज़रूरत से ज़्यादा है करना, वो अलग बात है, मसाइल वो एक अलग मसाइल है। तो इन्होंने जेवरात लिए थे उस कौम के जो कौम को हलाक किया गया। अड़ोस पड़ोस में रहते हुए ताल्लुक़ात में उसके मुताल्लिक़ कभी तफसील बयान करेंगे, बड़ी तफसील है वो। चूँकि ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, पता चलने ना पाए, एक तदबीर बनाया था कि हम सारे यहूदी मिलकर एक ईद मना रहे हैं। निकल के जा रहे हैं बोले तो हुकूमत जाने देने वाली नहीं थी। अब वो सारे के सारे मर गए। तो देवर इसने कमाल दर्जे की तकरीर की, गैर का माल तुम्हारे लिए रखना जायज़ है क्या? हराम है। ना वो रहे ना उनके वारिस रहे। चलो एक जगह जमा करो, मैं कुछ करता हूँ उसका, सब के सब आए उसके दाम में। इन्हें तो कारीगर भी था, सुनार भी था। उसको जलाया करा, कारीगरी से एक गाय के बछड़े की शक्ल बना दिया, उसकी पूजा पाठ होती, उससे तो मानूस थे वो लोग, देखे हुए थे, बनाया कमाल दर्जे का। गाय का बच्चा और गाय का बच्चा लटके जैसा, वो तो आज भी इस किस्म के जो मिलते हैं मंडियों में, इसमें लेके ख़ास तौर पर उसकी पूजा होती है, बिल्कुल वही शक्ल सामूहिक। कुछ एक धड़ निकला हुआ, 4 पाँव की जगह 6 पाँव निकले हुए खिलकत के, उसको तो पूजा पाठ के तौर पर लेकर पूरा गली गली घूमते भी हैं, ऐसे होते भी। मन माहिर था बनाने वाला, सोने का कवर चढ़ाकर अंदर फोक ला, कुछ हवा के आने जाने से जो आवाज़ बनती है, ये कमाल कारीगरी से बनाया था। बना कर रख दिया, सहरा में है, हवा चलती तो सही का गाय का बछड़ा जैसे आवाज़ करता, वह आवाज़ के जैसी निकलती थी। कहने लगा कौम के सामने, मूसा का हमारा तुम्हारा रब तो ये है, वो मूसा तो गए का गिला ढूंढने के लिए, देखो ये माबूद है। उसके ज़बान में, उसके तकरीर में, उसके अंदाज में जो असर था, मुतासर हुए। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला खूब जाने की आदत थी, मुफासिर मुख्तलिफ जो अदद भी बताने की कोशिश करते हैं, 60,000 अफराद थे, उसमें से 12,000 अफराद फ़ौरन मुतासर हुए। तौहीद वगैरह छोड़, उसके सामने हाथ जोड़, जो आज भी होता है। कोई चमत्कार कोई बता दिया, फ़ौरन गिरे, सजदा कर दिए, टेक दिए, सब कुछ उसको मान लिए। जबकि पैगंबर के नायब पैगंबर मौजूद हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। होश खो दिए, इतना ज़्यादा जोश बढ़ गया। इजलन आइन को जेर से गाय का बछड़ा लफ्ज़ है असल में उजलत, उर्दू में भी इस्तेमाल जल्दबाजी। इन्होंने ये काम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार किए बग़ैर फ़ौरन फैसला कर जल्दी से कर लिया। बस उसके लिहाज से गाय के बछड़े को अरबी में नामी पर इजलन आइन को पेश आ गया, तो जल्दी या इनको जेर से असल वर्टिकल मीनिंग है जल्दबाजी। मुराद गाय के बछड़े को इन्होंने महबूद बना लिया। जसदन लहू एक जिस्म था, सिर्फ उसमें आवाज़ पैदा हो रही थी। इंसान किया, लेकिन ये अमल, ये कारीगरी महारत जो दिया, किसने दिया? अकल किसने दिया? अल्लाह ने। फिर वो कमाल दर्जे फन्ना फनी एतबार से जो किया, आवाज़ चलती थी, किसने किया? लोगों को इतना यकीन कि यकीनन सही का ज़िंदा है। यहाँ तक रिवायत है कि वह उछल के भी बताता था उन्हें, खाली वाएँ बाएँ बाएँ आवाज़िश करना, कोई जवाब नहीं। इधर सब कुछ हो रहा था, पैगंबर थे, उधर अल्लाह ताला ने सब बता दिया पैगंबर को। मूसा अलैहिस्सलाम का तो मिजाज कुरान कई जगह जिक्र करता है, वहाँ तो पूछ भी लिया था आपने, अल्लाह ताला बता दिया। तो आप पूछे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह ये सब कुछ हुआ जैसा आप बता रहे हैं, वो जिंदा गाय के बछड़े के जैसा चीखरा भी ये कर रहा, तो उसमें ये कैफियत जान ये कौन डाले? अल्लाह ने फरमाया मैं डाला। यानी उसके नुस्खे में, उन्हें कारीगरी में कामयाब उसको करने वाले अल्लाह से। यानी आप बुराई का इरादा कर लो, बुराई का रास्ता आसान करने वाले अल्लाह, नेकी का इरादा कर लो, आसान करने वाले अल्लाह। इसी का नाम है नेकी की तरफ आगे बढ़ा, उसकी इस्तिताअत हो रही, इसी का नाम है हिदायत खुदाबंदी। यादी मैं शाह जिल्लू मैं शाह, दो चीज़ें रख कर है, बंदा जो चाहेगा मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन ताक़ीद ये नहीं चाहना तो ये चाहना। इंसान के अंदर उल्टी आदत है, जिससे मना करो नहीं, ये क्या थी भी मैं करके देखो, करके देखो, हलाकत पे जाओ, ये जहर है मारने वाला, ना मैं चख के देखता हूँ, चखो बाद में लगेगा, चकला लगेगा। मुर्दों को चकलों में दफन करते हैं। अब हम तो अपन ले जाते हैं, मिट्टी में डाल के आते हैं। कदीम से तरीक़ा है, संदूक बनाकर लकड़ी का उस पर रख कर उसको ताबूत करते हैं, आमतौर पर उसी में दफन करते हैं, सब खोद के खा के। ये इससे भी मना नहीं है, वैसे ले जाकर डालो मिट्टी में डाल देते हैं। वो तफसीलात ये थी। तो फ़ौरन फरमाया मूसा ने, ये तो अल्लाह ताला ये आपका है ना आजमाइश में डालना, कौम ने चाहा मैंने किया, गलत तरीक़ा बताना नहीं है, तजुर्बा करो करके बोलना भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात है, रोज़ाना आप मस्जिद को आते जाते हैं, ये सुतून को हाथ लगा के जाता हूँ मैं, आदत डाल दी, मेरा इसमें भला होता, दिन भर अच्छा लगता और बराबर सुकून भी चलेगा। किसी दिन हाथ लगा के जाना भूल गए, ख्याल में आता आज क्या है कि बराबर होता, क्या है कि है ना, क्या है कि होता। अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, हदीस क़ुदसी है, कुरान का दर्जा, मैं उसके साथ हूँ हर हाल में। अल्लाह ताला हर एक के साथ है, उसके हर काम के साथ है। कल ही शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का ये कर रहा था, देख रहा था, कल बाद मगरिबी देखा, तो उसमें वजाहत है अल्लाह ताला हर चीज़ के ज़हूर के ज़रिए से ज़ाहिर है। उसमें फरमाते हैं मैं सारी कायनात की तमाम चीज़ों में इस कदर ज़्यादा ज़ाहिर और वाज़े नहीं हुआ हूँ जितना कि इंसान के खिलकत के अंदर, इंसान के वजूद के अंदर मैं सबसे ज़्यादा ज़ाहिर हूँ। ये आम आदमी को समझने वाली बातें नहीं, अहलुल्लाह के पास का। तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, गुनाहगार इंसान के पास भी हैं, वहाँ सिफत जलाल के साथ हैं, रहमत के साथ हैं, यहाँ सिफत रहमत के साथ हैं। सिफत रहमत में प्यार में मोहब्बत में धप्पा भी मारते हैं, जिसको आजमाइश करते हैं, जिसको आजमाइश करते हैं, जिसको अपना कहते हैं, अपने की तरबियत देने के लिए, फिक्र देने के लिए। धप्पा आपका लिहाज करते नहीं, उनके लिहाज से धप्पा होगा जो आपके लिए बड़ी आजमाइश वाली चीज़ होती है। अलगरस तो अल्लाह ने फरमाया अलम यरो, अरे कमबख्त, तो इसको माबूद बना लिया तुमने सिर्फ एक आवाज़ को सुनकर। इसके अंदर है क्या ताकत, सलाहियत? अलम करो, क्या इन्होंने गौर नहीं किया? ये बात तो नहीं करता ना, समझ जाते हैं आप बात, क्या आपके मकासद पूरे हो जा रहे हैं? चलो बीमार है, उठा, मर गया जिंदा कर, कोई वो पुकार रहा, उन्हें क्या कर सक रहा? बोला यादीम सबीला, ये करना एक ही आवाज़, नहीं करना एक ही आवाज़, जाना एक ही आवाज़, आना एक ही आवाज़। इत्तखज़ूहु, बस इसको उन्होंने अपना लिया, ये कर कर सबसे बड़ा गुनाह किया। ये जालिम थे, तौहीद के रास्ते से हट गए। बाद में गौर करके, अभी पैगंबर नहीं आए थे, खुद गौर किया क्या क्या, बात समझ में भी आ गई। वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, सुक़ित फ़ी ऐदीहिम एक फ्रेज़ की शक्ल है अरबी में इस्तेमाल, यानी अपने हाथों में गिर गए। लफ्ज़ी तर्जुमा, मुराद तर्जुमा नहीं, जब वो ख़ुद परेशान हो गए, बात समझ में तो अपने आप में बेबस हो गए। ये फ्रेज़ की शक्ल में उसमें मिलके एक माना बनेगी, जब हैरान और परेशान हो गए और ये समझ लिया कि उन्होंने ख़द ज़ल्लू, वाकई हमने बड़ा गुनाह किया, और हो गया ना, ईमान से निकलने वाली बात तो हो गई ना। खालू उस वक्त आपस में कहे, ये भी तमन्ना ला इल्ला में रहमना, अब अल्लाह की मेहरबानी हुई तो ही, यानी ईमान समझ में आ गया थे मोमिन। अगर हम पर अल्लाह की मेहरबानी नहीं है, अल्लाह रहम नहीं फरमाए, जो हमारा रब है हमारी माफ़ हमको माफ़ी ना दे, तो ज़रूर हम तो हलाकत व बर्बादी बर्बाद हो गए, नुकसान हो गए। फिर अल्लाह रहम भी कैसा फरमाते हैं, माफ़ भी कैसा करते हैं। उनके लिए क्या तरीक़ा था, ऐ उम्मत मोहम्मदी के अफराद तुम्हारे लिए क्या क्या मेहरबानी किया, ये हुआ था। पैगम्बर मूसा तशरीफ़ ला रहे, वलम्मा रजा मूसा, पैगम्बर मूसा आ गए तूर से अपने कौम के पास। कैफियत तो पहले से मालूम थी, पूछने हालात मालूम करने की ज़रूरत नहीं। मुशाहिदे वाली रनिंग कमेंट्री के जैसा अल्लाह ताला पूरा बता रहे थे। वो लोग, ये लोग तो भी पूरा सही नहीं बता सकते, हकीकत पूरी बता दी। कैसा कैसा पता है, सूरह ताहा में उसकी तफसीर पूरी का पूरा है। वहाँ भी तकरीबन 3 रुकू के अंदर ये कैफियत की वजाहत है जो यहाँ वजाहत नहीं है। जब आए गज़ब में थे, गज़ब बहुत ज़्यादा हो जाता, गज़बा जैसे उमर से इमरान, रज़िया से रिजवान, फौजुन कामयाबी फौजान, हसन से हसान। एक्स्ट्रा आर्डिनरी मीनिंग पैदा करना है मुबालगे के, तो एक तरीक़ा है इसके अंदर। तो गज़वान इंतहाई इंतहाई गुस्से में थे। अब पैगम्बराना एतबार से गुस्सा है, वैसे फितरी मिजाज के एतबार से भी, तो आप तो गुस्सेले ही पैगम्बर हैं। अफसोस करते हैं अपने कौम के ऊपर, जबकि नायब बना कर गए थे। पिछली आयतों में गुजरा 2-3 दिन पहले, खाल आप सबसे पहले कौम से कहे बीसा माँ अलग चीज़ है, खलफ तो भूमि, किस कदर तुमने बुरा काम किया रे मेरे जाने के बाद, पीछे तुमने आजिल तुम उजरत क्यों कर लिया इतने जल्दी से। अमरा रब्बी को, वो भी फैसला लिया रुबूबियत के बारे में, अपने रब का तायुन करने के बारे में। गाय के बछड़े को रब कह दिया इतने जल्दी। इधर डांट डपट करते हुए और गुस्सा और बढ़ते गया। और गुस्से में वाल कलर तख्तियों को नीचे डाल दिया। अब डाल दिया का तर्जुमा फेंक दिया, बोलो डाल दिया। अब दूसरे मसाइल पूछना नहीं, अल्लाह की किताब थी ना, एहतमाम से रखना सा करना, वो सब वो पूछना नहीं। जो कैफियत हुई अल्लाह ताला बता रहे। तख्तियाँ पतले पतले काट के थे, कुदरत से तैयार हुई थी। देखिए, इस दुनिया की फितरत वाली चीज़ से जब एक के ऊपर एक वेट पड़ कर छोड़ दिया तो आखज़ा बिरासत। इधर तख्तियों को छोड़, उसकी तफसील नहीं बताना है, तख्तियाँ कितने थे, कैसा था, क्या क्या हुआ था। और इधर अपने बड़े भाई साहब को जो नबूवत में शरीक थे, हारून, ये बड़े नरम मिजाज के भी थे, ये उनके उल्टे थे। वो बड़े भाई थे हारून, ये सेकंड भाई थे। ये ज़रूरी नहीं है, तजुर्बा कर लीजिए। करीब 100% सेकेंड वन लड़का गैर मामूली ज़िद्दी होता है, तेज़ होता है। बहुत सारे लोग ये बच्चा बड़ा ज़िद्दी कहते हैं, मैं उनको समझाता हूँ ज़िद्दी मत बोलो, उसूली है बोलो। उसके खुद एक रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, उसका दबाव उसको माइंड कर लेता है, मनवाने की कोशिश करती है। आम तौर पर कहीं इसके खिलाफ हो सकता है, और दुनिया के तजुर्बे की बात है। सेकेंड वन, जब वो ज़िद्दी होता है तो किसी चीज़ पर लगा तो गैर मामूली बहुत आगे बढ़ेगा, हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। उसको तरबियत करना है खाली। फर्स्ट वन बड़ा भोला भाला नरम मिजाज का होता है। बाद लोग तो आगे बढ़ते हैं, उसको हौला भी बोलते हैं, उसको वो अलग बात नहीं। ये तर्जुमे से तफसीर से ताल्लुक़ नहीं, ये तर्जुमे तफसीर से ताल्लुक़ नहीं, ये अलग बात है। ये ज़माने वालों के तजुर्बे वाली बात है, अपने इसमें कर लीजिए आप। लेकिन पैगम्बर हारून अलैहिस्सलाम बड़े नरम मिजाज के थे, उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद की। मारूफ गुस्से में फ़ैसला लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, यकीनन ये मेरे बड़े भाई साहब भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कसूरवार हैं जो कंट्रोल नहीं कर सके। ताक़ीद के साथ मैंने बड़ा कर गया था जिसके वजह पीछे गुजर गई। तो गुस्से के मुजाहरे में आखिर क्या किया इन्होंने, वाखज़ा बिरासी अख़ी, अपने भाई के सर को यानी बालों को मजबूती से पकड़ा, यजुर्रुले खींचा ऐसा पकड़ के, फिर रखने वाले थे, अब मुक्का पड़ने वाला था, एक हाथ से पर खींच के, अब जिसको आप फाइट बोलो होने ही वाली थी, फौरन वास्ता दिया यबना मी इब्ना उम्मा, दोनों एक ही माँ के थे, आपका मेरा भाई करके कहने के बजाय माँ का हवाला दिया हारून ने, मेरे माँ के बेटे यानी हकीकी भाई, यानी गुस्से को ठंडा करने के लिए। इन्नल कौम इस्तज़ाफ़ूनी, सारी की सारी कौम, मैं तो पूरा काम किया, मुझे खुद इतना कमज़ोर बना डाला था, वक़ादू यक़्तलूननी, नौबत यहाँ तक भी आई, मुझे क़त्ल करने के तदबीरान शुरू हो गए। हमारे इस फैसले में बीच में आड़े क्यों आ रहे हैं, यहाँ तक सूरत हाल क्यों भी खामोश बैठता तो होती थी, मैंने कुछ कमी नहीं की, फिर भी ये सब कुछ हो गया। दूसरी बात, भाई मियाँ भाई को बोले फला तुश्मिर बिलादा, अब हाथापाई खींची की, ये कैफियत जुआरी दो हकीकी भाइयों में जो कि पैगम्बरी के भी इसमें हैं। अब सारी कौम के रूबरू, और जब मुखालिफ होते हैं पैगम्बर के दुश्मन, ये दुश्मनों को तो खुश होने का मौका भी मिलेगा, दुश्मनों को रजामंद करने की ऐसी तदबीर क्यों कर रही। शमातत आदा, दुश्मन को खुश करने का तरीक़ा, जिससे भी दुश्मन खुश होता है, हंसी मजाक का ज़रिया बनेगा। सबर सबर, बात को समझिए आप। वला तजअलनी, मुझे भी आप उनके दर्जे में जो लोग नाफरमानी करे, मैं कहाँ से किया, मैं तो तौहीद पे कायम हूँ, उसके ज़ुमरे में मुझको आप शामिल करने चले जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं। इतना समझाना पड़ा, क्या क्या तवील समझाए, मुख्तसर इसमें अल्लाह ने उसका तर्जुमा फरमाया। बात उसके बाद फ़ौरन रुकी, फ़ौरन ख्याल आया जो मैंने काम किया, बड़े भाई पर हाथ उठाकर मैं ज़रा कसूरवार हूँ, थोड़ा हो सकता खुशी मेरे से, कौम की तरफ से भी। फ़ौरन बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाया पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे रब मुझे भी माफ़ फरमा अगर मुझसे गलती हुई, गुस्ताखी हुई। वली अख़ी, अगर कुछ ना कुछ चीज़ पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सके भाई साहब हारून अलैहिस्सलाम, उनकी भी इसको माफ़ फरमाइए, अल्लाह से दरख्वास्त की। वादखिलना, हम सबको माफ़ भी कीजिए, दाखिल भी फरमाइए अपने रहमत में, अपने रहमत में जगह दीजिए, मेहरबानी कीजिए, गज़ब नाज़िल मत कीजिए। ये खौफ खुदाबंदी अम्बिया के पास। वांता रहमुर राहिमीन, जो चीज़ तलब करना है वो काम याद दिलाना अल्लाह को। अल्लाह को याद नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह उस काम के साथ जुड़े हुए हैं, वो एतराफ़ करना, अल्लाह से मेहरबानी तलब कर रहे हैं, इसलिए वांता रहमुर राहिमीन, बहुत ज़्यादा रहम फरमा सकते हैं आप, या आप में ताकत है, आप रहम फरमाइए। अल्लाह ने रहम भी फरमाया, फरमाया कैसा रहम, अब उसकी तफसील। तौबा कबूल करेंगे, वहाँ गया था, तौबा जिसको कबूल कर लेना है, दोज़ख से बचना है, तो उनकी तौबा यह है कि गर्दन कटा देना। एक ही तौबा है, जैसा जिना की सज़ा में रजम कर देना है, तौबा है उसकी। ये गुनाह इतना बड़ा है, ये पहलू कई जगह वाजे करें, आप काफिर हैं, कुफ्र पर रहो, आपको रहने की इजाज़त है, मगर कुफ्र को छोड़ के मुसलमान हो जाओ। मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ पलटते हैं, उसकी सज़ा एक ही है, क़त्ल। पहले भी वो थी, आज भी हुई है, आज भी शरीयत में हुई है। ममलकत इस्लामिया है, क़ानून नाफिज़ है, उसकी सज़ा एक ही है। मुसलमान काफिर हुआ, काफिर चाल पे चला, दुनिया समझा रही बता रही तुम्हारा पुराना घर ये शमियाँ, पलट के आओ। अगर आप पलटते हैं, क़ानून इस्लाम जारी है, तो उसकी सज़ा एक ही है, क़त्ल करना मुसलमान। जहाँ नहीं है क़ानून इस्लाम, अब उसके लिए तौबात अल्लाह के तरीक़े हैं, लेकिन इतनी बड़ी सख्त सज़ा है। तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की, नतीजे में 12,000 का क़त्ल भी हुआ। और आगे बात बढ़ रही थी पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से, फिर अल्लाह ताला ने दूसरे तरीक़े सहूलत अता की। ईमान उतनी बड़ी चीज़ है, उससे पलटना, उसके ख़िलाफ़ करना इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी सज़ा है। जब इतनी बड़ी सज़ा है तो उस ईमान पर बाकी रहने के ऊपर कितना बड़ा इनाम है, क्या मिलने वाला है। इन कैफियतों को इसके ज़रिए से इस उम्मत